तो अभी तक मैंने आप लोगों को फ्लावर के बारे में जितनी नॉलेज देनी थी वो मैं दे चुका हूँ। लाइक इसके नॉन एसेंशियल वर्ल कौन कौन से हैं, जिसमें हमने जाना कि कैलिक्स और कोरोला होते हैं, और फिर हमने जाना इसके एसेंशियल या फिर रिप्रोडक्टिव वर्ल्स कौन कौन से हैं, जो कि हमने जाना एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम है, ठीक है। और फिर मैंने तुम्हें बताया मेल गैमेट कैसे बनता है और फीमेल गैमेट कैसे बनता है। कुछ टाइम पहले, मेरे 2-3 लेक्चर पहले, मैंने आपको पॉलिनेशन के बारे में भी बताया था, ठीक है। किसी को याद है व्हाट इज पॉलिनेशन? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। यस सही है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ठीक है। ये इतना आसान है और मैंने इसको डायग्राम के साथ मैं आपको बताया था, ठीक है ना। तो होता क्या है इसमें, ट्रांसफर होता है किसका, पॉलन ग्रेन्स का, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स, और पॉलन ग्रेन्स की स्ट्रक्चर आप लोगों को पता है ना, यस सर, एग्जाइन इन टाइम। यस ओके, सर, तो ट्रांसफर होता है किसका, पॉलन ग्रेन्स का, कहां से कहां तक, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, एंथर टू स्टिग्मा। एंथर इज एंथर टू मेल पार्ट स्टिग्मा, और अ फीमेल पार्ट, मेल अच्छा। पार्ट और स्टिग्मा किसका हिस्सा है? फीमेल 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 पार्ट, पार्ट का नाम क्या है? स्टिग्मा, गाइनेशियम गाइनोशियम। और गाइनोशियम के कितने हिस्से हैं? और फोर। कौन कौन से हैं? सिग्मा स्टाइल ओवली हाँ, ओव्यूल, ओवरी का हिस्सा है, ठीक है। 3 हिस्से बताने हैं अब से आपको, 3 हिस्से होते हैं ओवली गाइनोशियम के, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी के अंदर ओव्यूल मिलता है, ठीक है। अच्छा, अब पॉलिनेशन में देखो होता क्या है। पॉलिनेशन में दो टाइप मैंने आपको पढ़ाए थे, मैं थोड़ा सा रिकैप करा रहा हूँ। दो टाइप मैंने आपको पढ़ाए थे, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। मैंने दो टाइप आपको पढ़ाए थे, है ना। एक तो सेल्फ पॉलिनेशन और एक क्रॉस पॉलिनेशन पढ़ाया था ना। अच्छा यस सर, ओके, थैंक यू। अब इसके बाद देखते हैं, हाँ जी, सेल्फ पॉलिनेशन पढ़ाया था मैंने आपको और क्रॉस पॉलिनेशन पढ़ाया था, हाँ जी। सेल्फ पॉलिनेशन के दो टाइप मैंने आप लोगों को पढ़ाए थे, जो कि थे ऑटोगेमी और जीटोनोगेमी। जीटो गेम, जीटोनो, ठीक है, स्पेलिंग को ध्यान से देखिए, GEITONO, GAMY, ठीक है। अच्छा, क्रॉस पॉलिनेशन को हम और दो नाम से जानते हैं, इसको हम एलोगेमी भी बोल सकते हैं और जीनोगेम, इसको जीनो, क्रॉस लगा दिया मैंने आगे, एक्स बना दिया आई मीन, ठीक है। और ये है जीनोगेमी, ठीक है। तो ये सब मैंने आपको पढ़ाया था। क्रॉस पॉलिनेशन में जो ध्यान रखने वाली बात थी वो क्या थी, सुने? क्रॉस पॉलिनेशन में जो बातें हमें ध्यान रखनी थी वो क्या है, और सेल्फ पॉलिनेशन में कौन सी बातें हैं जो हमने ध्यान रखनी है, तो सुने फिर। हाँ जी, सेल्फ पॉलिनेशन में प्लांट चेंज नहीं होता है ना। क्रॉस पॉलिनेशन में प्लांट चेंज नहीं होता है, और इसके अंदर क्या हो जाता है, प्लांट चेंज होता है। मींस जो ट्रांसफर होता है पॉलन ग्रेन्स का, एक प्लांट से दूसरे प्लांट में होता है, ठीक है। यहाँ पे फ्लावर भी चेंज हो जाते हैं, मींस अलग अलग फ्लावर के बीच में यहाँ ट्रांसफर होता है। और ऑटोगेमी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे फ्लावर सेम रहता है, सेम फ्लावर रहता है। और जीटोनोगेमी की बात करूं अगर मैं, तो यहाँ पर आपका डिफरेंट फ्लावर होता है ना, डिफरेंट फ्लावर। अब जहां पे मैंने ये वर्ड यूज किए हैं प्लांट चेंज, है ना, इससे आप कहीं कंफ्यूज हो जाएं, इसलिए मैं इसको इजी वर्डिंग कर रहा हूँ इसके लिए मैं, ठीक है। तो सुने, हाँ जी, यहाँ पे प्लांट सेम रहता है, प्लांट वही रहता है, और यहाँ पे क्या होता है, डिफरेंट प्लांट होता है, ठीक है। और यहाँ पे डिफरेंट ही फ्लावर होता है, ठीक है। फ्लावर को मैंने शॉर्ट में FLR लिख रहा है,
ठीक है ना, यहाँ पे FLR लिखा है मैंने शॉर्ट में फ्लावर को, तो FLR डॉट ये फ्लावर का ही एब्रीविएशन है। अब सुने मैंने आप लोगों को, हाँ जी बोलिए सर, ये जो सेल्फ में आपने सबसे नीचे पॉइंट के लिखा, बोलिए क्वेश्चन बोलिए। ये जो सबसे नीचे पॉइंट के लिखा आपने जो सेल्फ, उसमें लिखा है, बताइए आगे बताइए क्या लिखा है, क्या लिखा है? डिफरेंट फ्लावर, डिफरेंट फ्लावर। ये है डिफरेंट फ्लावर, ठीक है। अब मैंने आप लोगों को इस तरह से एक ड्राइंग ही बना के दिखाई थी लास्ट टाइम कि यस सर, है ना, यहाँ पे मैंने दो अलग अलग प्लांट लिए हैं। ये है प्लांट टू, चलो कोई प्लांट टू है, और ये है प्लांट वन, ठीक है, ये है प्लांट वन, और यहाँ पे है कोई फ्लावर वन, ठीक है, और यहाँ पे है कोई फ्लावर टू, मतलब प्लांट सेम ही है, और यहाँ पे है कोई फ्लावर थर्ड, ठीक है, मैं लिख देता हूँ, ये है फ्लावर वन। देखिए लेक्चर को ध्यान से सुनिए, तो डेफिनेटली जो भी मैं एब्रीविएशन यूज करता हूँ आपको उनके बारे में क्लियर बातें पता चल जाएंगी। और यहाँ पे है फ्लावर टू, अब मैंने ये F2 लिखा, इसका मीनिंग आपको पता होगा क्या है, और अब मैं F3 लिख रहा हूँ, इसका मीनिंग आपको पता होगा, ये है फ्लावर थ्री, ठीक है। अब बात करते हैं, अगर ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन हो रहा है फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, मतलब यहाँ फ्लावर चेंज नहीं हुआ है, ठीक है, इसको हम बोलेंगे ऑटोगेमी, ठीक है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, ऑटोगेमी बोलेंगे। और अगर ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन हो रहा है डिफरेंट फ्लावर में ऑफ सेम प्लांट, तो इसको हम बोलेंगे ज़ीटोनोगैमी। क्लियर है, ज़ीटोनोगैमी पता चल गया, हाँ जी सर। अच्छा डेफिनेशन कैसे देंगे पता है ना ज़ीटोनोगैमी की? यस सर, यस सर। कौन बताएगा? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम ऑफ सेम, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम सेम प्लांट टू डिफरेंट फ्लावर। देखो पहले आपको फ्लावर के बारे में बोलना है एंड देन प्लांट, ठीक है ना, पहले फ्लावर एंड देन प्लांट, ठीक है ना, ऐसे बोलेंगे ना, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स इन डिफरेंट फ्लावर्स ऑफ सेम प्लांट। मैं ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट, डिफरेंट फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट, हां ये ज़ीनोगैमी का सर, हां ठीक है ना, समझ गए। अच्छा अगर आप फ्लावर अलग-अलग हो जाए अलग अलग प्लांट की, तो ऐसे केस में जो ये ट्रांसफर हो रहा है इसको हम बोलेंगे क्या बोलेंगे, ठीक है ना, तो आपको पता चल जाएगा, आप देख के ही बता देंगे कि मैं अगर आपसे ऐसी ड्राइंग बना के स्कूल में ही पूछूं कि मैंने यहाँ पे ए लिख दिया, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, तो बताओ ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है, बता दो, जैसे मैंने जीरो बी लिख दिया हो और yes, इसके है ना, तो बता देंगे आप लोग, स्मार्ट हो आप लोग, ठीक है। अच्छा तो सेल्फ पॉलिनेशन के केस में अगर अगर ऑटोगेमी है, ठीक है ना, अगर मैं बात करूं ऑटोगेमी की, तो ऑटोगेमी के केस में एक बात जान लीजिए, ऑटोगेमी के केस में फ्लावर का बाइसेक्सुअल होना बहुत ज्यादा जरूरी बन जाता है, ठीक है ना, अगर हम इन केस ऑफ ऑटोगेमी, इन केस ऑफ ऑटोगेमी जो क्राइटेरिया है फ्लावर के लिए, वो क्राइटेरिया ये है कि फ्लावर को क्या होना चाहिए, बाइसेक्सुअल होना चाहिए, है ना, और बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या होते हैं आपको पता होगा, है ना, बाइसेक्सुअल फ्लावर तो पता होंगे आपको, yes, क्या sir. होते हैं कभी और, हाँ अगर मैं आपसे कभी ऐसा कोई भी क्वेश्चन पूछ लूं कि अगर क्वेश्चन से बातें ना क्लियर हो जाएंगी, जब मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो इससे बातें क्लियर हो जाएंगी, आप अपने आप को म्यूट रखें तब तक, ठीक है, हाँ जी। तो अगर
हाँ जी, तो होता क्या है, अगर मैं आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछूं, मीन्स देयर इज अ प्लांट हैविंग यूनिसेक्सुअल मेल एंड फीमेल फ्लावर्स, on it, what is the type of pollination? What is the type of pollination can occur only in this plant? देखिए मैं सिर्फ इसी प्लांट की बात कर रहा हूं, सिर्फ इसी प्लांट में, मुझे किसी और अदर प्लांट से लेना देना नहीं है। अगर मैं सिर्फ इसी प्लांट की बात करूं तो यहाँ पे कौन सा पॉलिनेशन देखने को मिलेगा? जीटोनोगामी। हाँ, इसका आंसर है, बहुत ही इजी आंसर है इसका, इसका आंसर हो जाएगा जीटोनोगामी। अब आप जीटोनोगामी, हाँ आप एक्सप्लेन करें क्यों होगा जीटोनोगामी। नहीं, जीटोनोगेमी में अगर बाइसेक्सुअल भी होता तब भी हो सकता है, समझ गए, लेकिन इसमें अच्छा अगर डिफरेंट फ्लावर है। हाँ, डिफरेंट फ्लावर है ना। देखो इस केस को थोड़ा सा बड़ा करते हैं, माने चलो यहाँ पे एक तरफ है मेल फ्लावर और एक तरफ है फीमेल फ्लावर, ठीक है, तब तो हो जाएगा ना यहाँ से यहाँ ट्रांसफर, तो ये जीटोनोगेमी ही तो हुआ, ठीक है। अगर ये बाइसेक्सुअल भी होता, अब मैं सेकंड केस ले रहा हूँ, मान चलो ये बाइसेक्सुअल होता और ये भी बाइसेक्सुअल होता, तब भी तो ट्रांसफर हो सकते हैं ना, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जीटोनोगेमी के लिए यूनिसेक्सुअल का होना ही बहुत ज्यादा जरूरी बन जाता है। अच्छा, अगर मैं इस बार अब क्वेश्चन को चेंज करूं और यहाँ पे मैं ये लिख दूं, करेंगे क्यों जब उनके पास दोनों चीजें हैं तो? देखो करेंगे, ऐसा कर सकते हैं, मैं कर सकते हैं बोल रहा हूँ, ठीक है, और ऐसा क्यों करते हैं बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अभी बताऊंगा थोड़ी देर में, ठीक है। फिलहाल यहाँ ये अगर मैं क्वेश्चन यहाँ पे ये कर देता, कैन के लिए मैं यहाँ पे कर देता कैन नॉट कर देता, कैन नॉट, तो बताओ या अब इसका आंसर क्या होता? मैंने फ्लावर लिए हैं इस प्लांट पे यूनिसेक्सुअल, माने चलो एक ले लिया मैंने मेल, एक ले लिया मैंने फीमेल, ठीक है, तो अब बताओ इसमें कौन से टाइप का पॉलिनेशन नहीं हो सकता है? फूल मुंह, तो इसमें ऑटोगेमी नहीं हो सकता है। कौन सा नहीं हो सकता है? ऑटोगेमी नहीं हो सकता है ना, याद रखना, ये क्वेश्चन सही लगे तुम्हें ये क्वेश्चन लिख लीजिएगा, ठीक है, समझ गए, लिख लोगे ना इन क्वेश्चंस को? सर जीनोगेमी भी तो नहीं हो सकता, कौन सा नहीं हो सकता? जीनोगेमी, हाँ अगर मैं इसी प्लांट की बात कर रहा हूँ, सिर्फ इसी प्लांट की, कि अगर किसी बाहर से कोई पौधे नहीं आ रहे हैं तो इसमें जीनोगेमी नहीं हो सकता है। हाँ, लेकिन अगर दूसरे प्लांट से भी मैं लेना देना कर लूं और फ्लावर यहाँ पे क्या है यूनिसेक्सुअल है, अब मुझे सिर्फ इसी प्लांट से मतलब नहीं है, ठीक है ना, ओनली इन दिस प्लांट से मुझे मतलब नहीं है, तब इसका आंसर क्या हो जाएगा? तब इसका आंसर ऑटोगेमी हो जाएगा। क्लियर है? ये क्वेश्चन आप अपने माइंड में रखें, ठीक है ना, ये आंसर कब आएगा और ये वाला कब आएगा आपको पता चल गया, ठीक है, बाकी सब आपको वीडियो में मिल जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए और मैं अब आगे पढ़ाता हूँ, ठीक है, टाइप्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन पढ़ाता हूँ, क्रॉस पॉलिनेशन के कितने कितने टाइप होते हैं, ठीक है, कि कैसे कैसे क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है। लिख लिया। ओके, अब देखो बात करते हैं, अब मैं बात कर रहा हूं एजेंसीज ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन,
एजेंसीज ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन कैसे कैसे हो सकता है। क्रॉस पॉलिनेशन की एजेंसी की अब मैं बात कर रहा हूं, तो देखो बच्चों, क्रॉस पॉलिनेशन दो तरह से हो सकता है। क्रॉस पॉलिनेशन की दो तरह की एजेंसीज होती हैं, एक तो होती है आपकी बायोटिक एजेंसी, ठीक है, और एक एजेंसी होती है आपकी एबायोटिक। अब बायोटिक और एबायोटिक में डिफरेंस क्या है? मैंने बताया था बायोलॉजी में कहीं भी ए लग जाए आगे, बायो मींस क्या होता है, लिविंग होता है, लाइफ होता है, ठीक है, हाँ लिविंग, और एबायोटिक मींस नॉन लिविंग, ये तो पता चल गया होगा। एबायोटिक मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे नॉन लिविंग एजेंसी हो जाएंगी, और इसमें क्या हो जाएंगी, सभी एजेंसीज लिविंग एजेंसीज हो जाएंगी, क्लियर है। अच्छा, एबायोटिक एजेंसीज में आपकी दो एजेंसीज आएंगी जो कि हैं एयर और वाटर, ठीक है। देखो एयर के द्वारा पॉलिनेशन कैसे होगा, सपोज कीजिए यहां कोई फ्लावर है, ठीक है, मैंने ऐसे ही रैंडम कोई भी फ्लावर बना दिया है, और यहाँ इसके एंथर्स बाहर की तरफ निकले हुए हैं, मान के चलो, ठीक है, निकले हुए होते ही हैं, ठीक है, जब हवा आएगी तो यहाँ से पौधे को उड़ाते हुए ले जाएगी ना, और पीछे में कोई और फ्लावर होगा, कोई और फ्लावर किसी और प्लांट का, ठीक है, तो उसका स्टिग्मा वगैरह होगा उस तरफ में, और कैसे भी करके इस हवा की मदद से ये पॉलिन कहाँ पहुंच गए, बताओ, प्लांट, दूसरे प्लांट के फ्लावर पहुंच गए, तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे, क्रॉस पॉलिनेशन तो हो रहा है यहाँ पे, क्या हो रहा है, क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है, किसकी मदद से हो रहा है, किसकी मदद से हो रहा है, एयर की मदद से, एयर की मदद से हो रहा है। अच्छा, एयर की मदद से होने वाले पॉलिनेशन को हम बोलते हैं एनिमोफिली, ठीक है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, एनिमोफिली बोलेंगे। तो एनिमोफिली की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, एनिमोफिली इज अ टाइप ऑफ पॉलिनेशन बाय एयर, ठीक है ना, कैसे होता है ये पॉलिनेशन बाय एयर, अगर एयर के द्वारा पॉलिनेशन हो रहा हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, एनिमोफिली, ठीक है। और ऐसे फ्लावर जो एनिमोफिली शो कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे फ्लावर जो एनिमोफिली शो कर रहे हैं, ऐसे फ्लावर को हम बोलते हैं एनिमोफिलस फ्लावर, ऐसे फ्लावर को हम बोलेंगे एनिमोफिलस फ्लावर। अब आप खुद देखिए एक चीज का और ध्यान रखें, यहाँ पे आप यहाँ क्या देख रहे हो कि जो डायरेक्शन है यहाँ पे पोलन ग्रेन की, जो यहाँ पे पोलन ग्रेन की डायरेक्शन है, ठीक है ना, जो डायरेक्शन है पोलन ग्रेन की वो किस पे डिपेंड कर रही है, एयर पे डिपेंड कर रही है। मान के चलो अभी ये मेल फ्लावर है और ये फीमेल फ्लावर है, देखो जब मैं मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर लिख रहा हूँ तो इसका ये मतलब नहीं है कि ज़िनोगैमी में बाईसेक्सुअल फ्लावर नहीं हो सकते हैं, बाईसेक्सुअल भी हो सकते हैं, समझ गए, मतलब इस पे मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है, तो ये पोलंगे उड़ के मान के चलो किसी दूसरे फ्लावर के ही स्टिग्मा पे जाके लैंड कर गए, तब भी तो ज़िनोगैमी हो सकता है ना बाईसेक्सुअल में, क्लियर है। yes, sir. Yes. सपोज हाँ, साइंस में ना थोड़ा माइंड को खोला करें। अब देखो अब इसकी जो डायरेक्शन है वो डिपेंड कर रही है किस पे, एयर पे। अब मान लो कभी भगवान ना करे इसकी डायरेक्शन कभी इधर की तरफ हो गई, जहां मैं अब बना रहा हूँ, ठीक है, इधर होगी डायरेक्शन और इसका फीमेल पार्टनर इधर है, तो अब ये सभी पॉलिनेशन क्या हो जाएंगे, वेस्ट हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, अब ये सभी पॉलिनेशन क्या हो जाएंगे, वेस्ट हो जाएंगे, इसीलिए हम एनिमोफिली को एक वेस्टफुल प्रोसेस बोलते हैं। कैसी प्रोसेस है एनिमोफिली, एक वेस्टफुल प्रोसेस, वेस्टफुल प्रोसेस। मैं आपसे पूछूं कि हाँ कि वेस्टफुल पॉलिनेशन वाली प्रोसेस कौन सी है, तो आपको बता देना है, ठीक है, समझ गए।
अब देखो आगे बात करते हैं, वाटर के द्वारा अगर पॉलिनेशन हो रहा हो तो तब हम बोलेंगे हाइड्रोफिली, हाइड्रोफिली हाँ तब हम बोलेंगे हाइड्रोफिली। अच्छा अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, सपोज करो, अच्छा दिमाग लगाओ और मुझे बताओ हाइड्रोफिली कैसे फ्लावर में होगा जो हवा में मिलते हैं, हाइड्रोफिलस। हाँ ऐसे फ्लावर को तो हम हाइड्रोफिलस बोलेंगे, आपने सही बताया है, ऐसे फ्लावर को हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोफिलस फ्लावर, हाइड्रोफिलस। हाँ आप बताओ हाइड्रोफिलस फ्लावर कहाँ मिलेंगे मुझे, पानी में मिलेंगे, ऐसे पौधे जो पानी में मिलते हैं, पानी में, हाँ पानी में सर, तो ये कैसे प्लांट्स के अंदर दिखेगा, ये दिखेगा हमें एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर, है ना एक्वेटिक, क्लियर है, याद रखेंगे ना सभी, यस सर, क्लियर है। अच्छा बुक से इन सभी के एग्जांपल फाइंड आउट करना, ठीक है ना, बुक में होंगे आपके सबके एग्जांपल, क्लियर है, नोट्स बना रहे हो ना सभी, यस सर, ओके। चलो अब बात करते हैं, ये ही है आपके बायोटिक में, ठीक है, अब बात कर रहा हूँ मैं फटाक से आपके बायोटिक एजेंसीज की। तो देखो बायोटिक एजेंसीज में आपका जाता है, मैं पहले लिख देता हूँ कौन कौन आते हैं, ठीक है, एक आ जाएगा आपका इंसेक्ट्स के द्वारा, आप देखते होंगे फ्लावर के चारों तरफ इंसेक्ट्स बहुत घूमते हैं, जैसे है ना बीज वगैरह, ये सब इंसेक्ट्स में आएंगे। अच्छा बर्ड्स भी घूमते, छोटी छोटी बर्ड्स, है ना, अच्छा इनके चारों तरफ स्नेक्स भी रहते हैं, लेकिन देखो मोस्ट ऑफ द केसेस में आपने इंसेक्ट देखे, इसीलिए मैं यही भी ये भी कहना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा जो पॉलिनेशन होता है बायोटेक एजेंसीज के द्वारा 90% इंसेक्ट्स के द्वारा ही होता है, ठीक है, स्नेक्स के द्वारा हो जाएगा, स्नेल्स देखे आपने, स्नेल्स, यस सर, यस सर, स्नेल्स के द्वारा हो सकता है, अच्छा आंट्स के द्वारा हो सकता है, आपने देखा होगा चींटियां भी होती हैं फूलों पे, है ना, तो इंसेक्ट, बर्ड, स्नेक, स्नेल्स, आंट, हनी भी इसी में आ जाएगा, इंसेक्ट में आ जाएगा हनी भी, आंट्स उसमें ही आ गई ना, हाँ आंट्स के लिए एक स्पेशल टर्म है, मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। अच्छा फिर एक और होता है आपका बैट्स के द्वारा भी हो सकता है पॉलिनेशन, बैट्स, ठीक है, बैट्स सर, एनिमल्स, एनिमल्स का के भी अलग कैटेगरी, ये सब ये बताऊंगा एनिमल्स को हम किसमें रहेंगे, ठीक है। अब देखो इंसेक्ट्स के द्वारा अगर पॉलिनेशन होता है तो उसको हम बोलते हैं एंटोमोफिली, इसको हम क्या बोलेंगे, एंटोमोफिली, ठीक है, बर्ड्स के द्वारा अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे ऑर्निथोफिली, उसको हम ऑर्निथोफिली बोलेंगे, स्नेक्स के द्वारा अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे ऑफियोफिली। अरे बच्चों ये घर में अगर कोई बात कर रहे होते हैं और आप क्लास ले रहे होते हो तो थोड़ा रिक्वेस्ट कर लो कि प्लीज शांत हो जाइए, ठीक है, ऑर्निथोफिली एंड है ऑफियोफिली, और स्नेल्स के द्वारा अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे मेलेकोफिली, मेलेकोफिली, ठीक है, मेलेकोफिली। आंट्स के द्वारा अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे मेरमेकोफिली, ठीक है, बैट्स के द्वारा अगर हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे काइरेप्टेरोफिली, समझ गए, कुछ बुक्स में यहाँ पे स्पेलिंग ये भी दे रखी है काइरेप्टेरो, ठीक है ना, काइरेप्टेरोफिली, मैंने दोनों ही तरह की स्पेलिंग पढ़ी हुई है इसलिए दोनों बता रहा हूँ, ठीक है, क्लियर है। अच्छा अब आप मुझे ये तो बता ही सकते हो ना इनके द्वारा पॉलिनेट होने वाले फ्लावर को हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, बता दोगे ना सभी के, अच्छा एक करके बताओ, एंटोमोफिली वाले को क्या बोलेंगे, अब किसी बच्चे ने बताया सर ये जूफिली का कुछ आपने बताया, देखो यहाँ से यहाँ तक,
यहां से यहां तक जो मैंने आपको ये बताया ना, यहां से यहां तक मतलब बर्ड से लेकर बैट्स तक, ठीक है, ये सभी आपके आ जाएंगे जूओफिली में। ये सभी किस में आ जाएंगे? जूओफिली, जूओफिली में आ जाएंगे। तो आप कुल मिलाकर के दो पार्टीशन कर सकते हैं बायोटेक के, एक कर सकते हो आप एंटोमोफिली और एक कर सकते हो जूओफिली। और जूओफिली में आप लोग बर्ड्स भी कर सकते हो, स्नेक, स्नेल्स, आंट्स, बैट्स, ठीक है ना, कर सकते हो ना, क्लियर है? यस। अच्छा एक और बात, अब मैं एक क्वेश्चन आ रहा है मेरे दिमाग में, अगर ह्यूमंस के द्वारा पॉलिनेशन हो रहा है तो उसको मैं कहाँ रखूंगा? जूओफिली में रखूंगा, एंटोमोफिली में रखूंगा, एनिमो या हाइड्रो? जूओफिली में। हाँ, ह्यूमंस के द्वारा अगर हो रहा है तो उसको हम जूओफिली रखेंगे, क्लियर है ना, समझ गए? मतलब जितने भी लार्ज एनिमल्स हैं, हम एनिमल किंगडम में ही आते हैं, आपने नाइन्थ क्लास में पढ़ा होगा डायवर्सिटी वाले चैप्टर में कि मैमल्स में आते हैं, आते हैं ना मैमल्स, नहीं प्लांट किंगडम कट रहा था मेरे साथ, अच्छा ठीक है कोई बात, तो मैमल्स वो भी कट गया था, ठीक है मैमल्स में आते हैं ह्यूमंस, ठीक है ना, और ह्यूमन ये जो मैमल्स है ना, मैमल्स एनिमल किंगडम में आते हैं, किसमें आते हैं? एनिमल किंगडम में, ठीक ना, तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। मुझे ये पता था कि एनिमल ह्यूमन ह्यूमन बीइंग्स एनिमल्स होते हैं। हाँ, लेकिन ये बात हमें अच्छी ही लगती है ना, हमें ऐसा लगता है पशु तो पशु ही हैं और हम थोड़े अलग हैं। तो बच्चों ये समझ में आ गया, एजेंसी टाइप समझ में आ गई कौन पोजीशन की, और ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन जरूर आएगा एग्जाम, यहां से क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, क्या बोल रहे हो आप, डेफिनेशन कैसे बनाएंगे एंटोमोफिली की, जैसे हाँ, इट इज अ टाइप ऑफ पोलिनेशन बाय इंसेक्ट्स, टाइप ऑफ पोलिनेशन बाय बर्ड्स, टाइप ऑफ पोलिनेशन बाय स्नेक्स, बना दोगे, सिंपल है? यस सर। तो देखो मैं थ्योरी लेस और बहुत ही स्मार्ट तरीके से आपको पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना, शॉर्ट नोट्स टाइप में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, डेफिनेशंस वगैरह आप लोग खुद बना पाएंगे, आपके पास इतना दिमाग होना चाहिए और ऐसी मैं उम्मीद रखता हूँ, क्लियर है ना, यहाँ बिल्कुल भी रटाने वाला काम नहीं है, मैं रटाना नहीं चाहता तुम्हें बिल्कुल, ठीक है, क्लियर है? यस सर। ओके, तो ये मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ।